हाय, जस्ट वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे इयररिंग्स बनाना। बनाना वाला बनाना नहीं, हाथों से बनाने वाला बनाना। ये जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजी भी है, बहुत ही लेस टाइम टेकन है, थोड़ा अजीब भी है पर अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर आप एक स्टार्टअप हो तो प्लीज़ नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अप्सरा हो गया, डोम्स हो गया, नटराज हो गया, कोई से भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम क्लियर और परफेक्ट शीट चाहिए तो लीड पेंसिल यूज़ करो। एंड प्रेफर करूँगी कि 0.5 यूज़ करो, क्योंकि इससे बहुत ही शार्प शेड मिलता है। बेसिकली आप उस तरीके से बनाओ जैसे अभी भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। एंड ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा मज़ा भी आ रहा था इसको बनाने में और लड़ा फनी टाइप सा भी है। नाउ ये यानी आधा हिस्सा तो बन ही गया है। अब आप थोड़ा सा कान वान बना लेते। कान देखने में तो बहुत वो लगता है बट बनाने में बहुत अजीब सा, यू नो, सो थोड़ा अजीब टाइप सा जैसे भी। तो आप ही ऐसे ही बना लेना कान का, क्या है बोलती है। एंड बेसिकली मेरा कान बन के रेडी हो गया। सो आप ही ऐसा कुछ नॉर्मल सा बना सकते हो, क्योंकि उतना मायने तो रखता है बट उतना कुछ खासा नहीं। सो यू कैन मेक इट एज पर योर डिज़ायर। सो अब ये नीचे का हिस्सा देखो, थोड़ा फ्लावरिक लीव टाइप का है। उसके बाद नीचे में एक स्टोन के, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, मतलब कुछ है ही नहीं। सो बेसिकली अब मेरे दोनों कान और दोनों इयररिंग्स रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट टू कलर इट। तो कलर तो आप कोई सा भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, इट इज़ जैसा आप चाहो, कोई सा भी, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, एनीथिंग। अब आप ब्राउन ब्लैक शेडिंग दे सकते हो अपने इयररिंग्स के ऊपर, थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए, थोड़ा अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए। और ब्लेंडिंग हमेशा आराम से करो, कोई जल्दी नहीं होती है, जस्ट मेक इट स्लो, ताकि आपकी चीज़ें बहुत ही स्मूथली आए, रिजल्ट भी बहुत स्मूथ आए। और जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मेरी इयररिंग्स के दोनों आधे हिस्से तो रेडी हैं, तो कुछ इस तरीके से बनाना है। लास्ट में जब आप कलर करके थोड़ा सा पेंसिल यूज़ कर सकते हो, 0.7 की यूज़ किया करो लास्ट में, बिकॉज जो लास्ट की जो लाइनिंग है वो आपकी कलर से क्लियर नहीं आती है, लेकिन जब आप उसमें पेंसिल यूज़ करते हो इट कम्स वेरी क्लियर एंड शार्प। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी इयररिंग्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सो बेसिकली जो ऊपर का हिस्सा है वो लिटल ब्लैक ब्लैक टाइप से है, और जो मिडिल वाला है वो थोड़ा ऑरेंजिस येलो है, और नीचे का तो पूरा अभी खाली है फिलहाल। तो अब ये थोड़ा मिसमैच नहीं आ पा रहा है द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर, इसलिए हम उसको भी थोड़ा ब्लैकिश सा थोड़ा शेड देंगे, ताकि वो दोनों थोड़ा इक्वल क्वान्टिटी और थोड़ा अच्छा लगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोन को कलर करना। बेसिकली वैसे ही करना है जैसे कि नॉर्मल स्टोन्स को हम शेड करते हैं। सो ये शेडिंग, क्योंकि दोनों ऊपर और सेकेंड लेयर ऑरेंज के हैं, तो इसको भी ऑरेंज ही करना है। अब हल्का हल्का शेड करके दोनों इयररिंग्स की स्टोन को शेड करके ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो बेसिकली अब जो लास्ट में बचा वो है हमारा कान। तो कान का तो आप कैसे भी कर सकते हो। इसमें अगर आप बेसिक चीज़ नोटिस करो तो मेरी मम्मी ने मुझसे ये पूछा था कि बेटा तेरे दोनों कान एक साइड कैसे हैं। तो ऐसा है कि अगर मैं अलग अलग साइड बनाती तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए मैंने एक ही साइड बना दिया। आपकी मर्ज़ी आप कैसे बनाते हो। सो लिटिल फनी भी लगा मेरे को बहुत। एंड सो दिस इज़ द स्केच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच।